इधर दिखाओ। अब ये मूर्ति बिल्कुल कंप्लीट है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भाई नमस्कार, कैसे हो सभी दोस्तों। आज मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर में हूँ जहाँ पर पीतल की सभी तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मुरादाबाद नाम का एक शहर है जिसको पीतल नगरी नाम से जानते थे, लेकिन फिलहाल मैं हूँ अलीगढ़ शहर में। यहाँ पर पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। और अगर पत्थर की मूर्ति की बात की जाए तो संगमरमर की मूर्तियाँ जो हैं राजस्थान के जयपुर शहर में बनाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीतल की मूर्तियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं, और ख़ास मेरा फोकस रहेगा श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पे। तो आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको कि लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है वो शुरुआत से लास्ट तक किस प्रकार तैयार की जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो। वैसे इस वीडियो की शुरुआत मैंने आज रात को 2 बजे की थी, और रात को 2 बजे मैंने जो क्लिप बनाई थी तो जो छोटे कुमार हैं इनके बड़े भाई के यहाँ पे गए थे हम, तो उन्होंने अपनी भट्टी चालू की थी। तो किस तरह से भट्टी चालू करते हैं रात के 2 बजे, पहले आप वो क्लिप देखिए, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको वहीं चल के दिखाऊंगा। दोस्तों इसको बोलते हैं घरिया या फिर कोठाली भी कह सकते हैं। इसको भट्टी में डाल दिया है, अब इसमें पीतल के टुकड़े डाले जाएंगे। ये इसको पीतल का आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हो। तो इसको घरिया में डाल देंगे और अब इसमें आग सुलग जाएगी धीरे धीरे। तो करीब 1 से 1.5 घंटे इसमें डले रहेंगे, उसके बाद इनका लावा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ना टेम्परेचर बहुत हाई लेवल का है, तो जब रात को 2 बजे ने उन्होंने भट्टी सुलगाई थी, उसके बाद 5 लावा निकाल लिए, मतलब 5 बार ये सांचे रखे हैं। देखिए इस तरह सांचे तैयार कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इनका काम चल रहा है, श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन हमको ठाकुर जी की मूर्ति बनवानी है। तो एक पीस बनवाएंगे हम छोटे बाल ठाकुर जी का। इधर दिखाएंगे छोटे जी, इधर भाई साहब, ये श्री राधा कृष्ण जी की जोड़ी बना रहे हैं फिलहाल। तो अभी जो अगली बार जब लावा निकलेगा हमसे, अब की बार ये 6ठी बार निकलेगा, तब उस लावा को हम उस लावा से बनवाएंगे श्री ठाकुर जी की मूर्ति। तो देखिए भाई साहब, अभी ठाकुर जी का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे एक गोल रंग है, इसमें इन्होंने मिट्टी डाल दी है वाली, और ये देखिए ये सांचा ठाकुर जी का। तो देखिए इस तरह से सांचा तैयार किया हुआ है पहले से ही। अब इसमें लावा डालेगा यहां से। अच्छा, ऊपर से मतलब कुछ इसमें मतलब गंदगी है, ये गंदगी होती है ना सर, कीट बोलते हैं, इसको सफाई हो जाएगी तो कीट निकल गई। अच्छा, गंदगी निकल गई, वे साफ हो गए। ये देखो ठाकुर जी की निकली है, इधर दिखाओ, आगे और पीछे का दोनों साइड का, ये बीच में से इसको काटेंगे ना, और तब इनको दोनों को जोड़ेंगे आगे पीछे। देखो कितने ज़्यादा धुआं धप्पड़ हो रहा है यहाँ पर, से निकले ना पूरा पसीना हो गया है, शर्ट पूरी भीग चुके पसीना। और भाई साहब
भाई साहब को देखो कपड़े पूरे भीगे हुए हैं पसीना में, बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है भाई साहब। बाद में ठंडे हो जाएंगे, टूटते नहीं है ना। लो यहाँ से भी तोड़ लिए। अब इनकी वेल्डिंग का काम दूसरी जगह होगा, मतलब आपका काम इतना ही इनको बना के देना यहाँ से बस। घर में कभी घर में हाथ मत लगाएंगे पूरे भाई साहब। मुझे लगा सर ठंडे हो गए होंगे। तो छोटे भाई ने बैग में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रख ली है, अब हम जा रहे हैं वेल्डिंग करवाने के लिए। नमक का तेज आवे तो इसमें डाल रहे हैं मूर्ति को। ये क्या लगाते हैं इसमें? मसाला है ये मसाला लगाया जाता है उसके बाद से मगाते हैं। देखिए ये इसको बोलते हैं बॉब, ये सबसे लास्ट में काम लगता है, इससे चमक आती है। और अभी जो मूर्ति को पानी डुबो दिया है और अब तक आप देखिए अब तक भी काफ़ी चमक आ गई है मूर्ति में, लेकिन इससे और ज़्यादा चमक आई। लो भैया शुरू करो काम। देखिए लेंसर कटाई और पॉलिश होने के बाद श्री ठाकुर जी की मूर्ति इतनी चमक गई। देखो अब अगला प्रोसेस होगा मूर्ति की, जो है मट्टी के तेल से धुलाई की जाएगी बढ़िया तरह से। देखिए दोस्तों इसको ना मट्टी के तेल से भिगो के लाए भाई साहब, और अभी कर रहे हैं सफाई। देखो और इस कट्टे में रखा है लकड़ी का बुरादा, तो गेट वगैरह जो बनते हैं वही लकड़ी काम में लग जाएगा इस बुरादे में। अरे वाह भाई, अगले प्रोसेस के लिए हम थोड़ा दूर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हल्ला बहुत ज़्यादा है। लो भैया रख लो बैग में। मूर्ति जा रही है हम रख के भी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा चिताई का, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? हो गए 6 साल से। हो गए 6 साल हो गए। देखिए चिताई करने के लिए भाई साहब के पास बहुत सारी छेनी है, ये अलग अलग मूर्ति पे चिताई करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप की छेनी है।
तो भैया आप ये जो मूर्ति की चिताई कर रहे हो, तो मूर्ति के आप पैर लगा रहे हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना भैया। ये पैर से इसकी पकड़ बनती है, और बिगर पैर लगाए ये बन नहीं पाएंगी। बिगर पैर लगाए नहीं बना सकते, बिगर पैर लगाए नहीं बन सकती। तो लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो तो यही कहेंगे ना कमेंट में कि भैया ठाकुर जी के पैर लगा रहे हैं भैया। नहीं भैया, ये तो हमारा काम है, ये तो अभी भगवान नहीं है, जब मंदिर में रखे जाएंगे, जब पूजा करी जाएगी, जब भगवान माने जाते हैं। ये बात तो आपकी सही है। देखिए अभी तो ये मूर्ति है, अभी तो ये पीतल समझो आप, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी मूर्ति, उसके बाद फिर ये भगवान है। अभी तो ये के ये मान चलो ये पीतल का टुकड़ा है, अभी तो अभी तो पीतल है ये हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए भगवान नहीं है ये। सही है, लेकिन लोग जो देख रहे हैं दर्शक, तो आप सभी से मेरा आग्रह है, आप इस प्रकार के कमेंट मत कीजिएगा कि भैया भगवान के पैर लगा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो काम जिस प्रक्रिया से होता है, तो उसी प्रक्रिया से होता है वो। तो अब भैया बता रहे हैं कि बिना पैर लगाए जो पकड़ नहीं बनती है। अच्छा भैया ये बताओ, जो बड़ी मूर्ति होती है उनमें भी ऐसे ही चढ़ाई होती है क्या? हाँ भैया, उनमें भी पैर लगा के ही होती है, बड़ी जो होती है, बड़ी हो या छोटी हो, बिगर पैर लगाए तो बन नहीं पाएंगी। अच्छा अच्छा, बड़ी मूर्ति में भी मतलब पैर लगाने पड़ता है, बिना लगाए नहीं बनती, नहीं बनती है, ये तो हमारा काम है। अच्छा तो भैया ये बता दूं मैं आपको, ये जो मूर्ति है ये 300 ग्राम की है, और इसमें सबसे छोटी मूर्ति कितने ग्राम की होती है भैया? इसमें सबसे छोटी 50 ग्राम की होती है, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 150 ग्राम की। और हाईएस्ट कितनी कितने वजन की होती है मूर्ति, बड़ी से बड़ी? बड़ी से बड़ी 15 किलो, 20 किलो, 40 किलो, जो भी 40-50 किलो तक बना देते, जो भी आप बनवाना चाहो। अच्छा अच्छा, तो हमने जो प्रोसेस शुरू किया है वो 300 ग्राम की मूर्ति किया है, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। अच्छा, अधिकतर मूर्ति कितने ग्राम की बनती है? अधिकतर ज़्यादातर आधा किलो, 1 किलो तक की अधिकतर। नहीं वैसे तो ये मूर्ति ज़्यादा जाती है मार्केट में, जो 300-200 ग्राम तक की अधिकतर लोग घर पे ले जाते हैं। हाँ वैसे तो ज़्यादा तो वही बनती हैं, 100 ग्राम की बन जाएँ ज़्यादा, छोटे छोटे भगवान मंदिर में आसानी से रख जाएँ। नहीं जिनका बड़ा मंदिर है तो वो बड़ी ले सकते हैं। नहीं लोग जाते हैं ना तो मथुरा वृंदावन से अधिकतर खरीद के लाते हैं मूर्तियाँ, तो लोगों को शायद ऐसा ही लगता होगा कि ये इनका मैनुफैक्चर का काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं पीतल की, सब जो अलीगढ़ से जाती है, मथुरा वृंदावन में यहीं से जाता है माल। हाँ मथुरा में जाता है, तो डायरेक्ट भी यहाँ से लेके जा सकते हैं अलीगढ़ से। हाँ डायरेक्ट भी ले जा शोरूम से ना। हाँ, शोरूम से खरीद के। चलिए बढ़िया, अभी कितना काम बाकी रह रहा है मूर्ति में? अब ये हो गई तैयार हमारे लिए। अच्छा कंप्लीट हो गई। तो देखिए भैया ने पूरी मूर्ति जो कंप्लीट कर दी है, यहाँ पर ये माला बना दी है, और लड्डू गोपाल जी के हाथ में जो लड्डू है, और देखिए पीछे ये क्या कमरबंद है, ये वो है कोंदनी इसकी। हाँ कोंदनी कमरबंद, और ये बाल बना दिए हैं घुंघराले, और ये चुटिया है, चुटिया ये चुटिया है ठाकुर जी की, बहुत ही शानदार। और देखिए पैर पे यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया, साथिया ये पैर, और इस पैर पे भी नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। आइए शोरूम के अंदर चलते हैं। तो भैया से आपकी मुलाकात करवाते हैं, भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। अच्छा। मेरा एड्रेस जो है सरायगढ़ी बाईपास रोड सासनी गेट अलीगढ़, आप आ सकते हैं और हमारे यहाँ से काफ़ी प्रकार की मूर्ति ले सकते हैं आप। जैसे कि देखिए ये हमारा एंटिंग पीस है कृष्णा, और ये लड्डू गोपाल, ये गणेश जी हैं, काफ़ी वैरायटी हमारे लड्डू गोपाल सजे हुए मिलते हैं काफ़ी। अच्छा भैया एक सजे हुए लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके आइए इधर से। तो दोस्तों देखिए ये जो मूर्ति है ना, आप 300 ग्राम का है आपके पास? हाँ। ये कितने ग्राम के हैं? ये 1 किलो के। देखिए ये 1 किलो के ठाकुर जी हैं, ये सजे हुए हैं, और ये हैं बिना सजे हुए, तो दोनों तरह के रखते हैं आप? हाँ जी। हम हमारे यहाँ कई वैरायटी मिलती हैं, सजे हुए मिलती हैं, एंटिक पीस भी मिलती हैं। ये देखिए ये कितने किलो की है मूर्ति? जो है 6 किलो की। ये 6 किलो के ठाकुर जी हैं। ये 50 ग्राम से स्टार्ट है हमारे यहाँ। 50 ग्राम की है कोई पीस? 50 ग्राम का पीस बड़ा दिखाना, देखो उसमें रखा होगा भाई। देखो बिल्कुल 50 ग्राम ठाकुर जी, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। इनका कलर ब्लैक है ना कैसे? हाँ जी, ये ब्लैक, वो ग्राहक के ऊपर है, जैसा ग्राहक चाहता है, ब्लैक चाहता है, कोई गोल्डन चाहता है, कोई सिंगार करा वो चाहता है, हम सब तरह की वैरायटी बना के दे सकते हैं आपको हम। अच्छा अच्छा, ये देखिए जो इनसे बड़े हैं, जो इनसे बड़े हैं ऐसे हैं। हाँ जी। ये 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे भैया? हाँ जी, 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम और 300 ग्राम। हाँ जी, इससे और भी बड़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको, मेरा सब प्रकार की वैरायटी मिल जाएगी। 300 ग्राम का, लेकिन इधर देखो कांटे दिखाते हैं आपको। ये पीस है 340 ग्राम का, लेकिन इसको 300 ग्राम का ही मानेंगे। देखिए इनसे बड़े जे हैं, इनसे बड़े जे हैं, मतलब मेरे यहाँ। अच्छा, अरे वाओ, ये देखो अलग अलग वजन के, देखो
तो यहाँ से आप कोई सी वैरायटी ले सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी मूर्तियाँ भी हैं दोस्तों, देखो ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है और यहाँ पे हाथी की मूर्ति रखी है और नटराज की देखो कितनी बड़ी मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे, और पीछे भी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और इसके साथ साथ ऊपर देखिए, ऊपर भी काफ़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ सजी हुई। और इधर आइए, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, इधर भी देखिए, यहाँ पे श्री विष्णु भगवान की मूर्ति है और ये हनुमान बलि की मूर्ति है। और ऊपर दिखाइए, यहाँ पे राम दरबार लगा हुआ है पूरा बुद्ध भगवान। और इधर देखो आप, ये एक एंटिक पीस है, ये नटराज की जो मूर्ति है ना, इसमें यहाँ पे ये स्टोन लगा हुआ है, तो जैसे ग्राहक की डिमांड होती है उसी तरह से स्टोन लगा के इसको सेट कर देते हैं। और यहाँ पे देखो खाड़ू संग स्टोन लगी हुई पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, ये कौन है, खोल फिर नहीं खोल। यहाँ पे आपको जैसी मूर्ति चाहिए वो मिल जाएगी, और अगर आप स्पेशली कोई मूर्ति बनवाना चाहते हैं तो वो भी बना देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये शंख है, अरे वाह देखो भाई साहब शंख कितना बढ़िया लग रहा है। बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति देखो, ये स्टोन लगी हुई मूर्ति है ना, स्टोन लगाया हुआ है इन पे, और ये नॉर्मल मूर्ति है। ये वरा भगवान की है ना, वरा भगवान की मूर्ति है ये। और ये देखो गौ माता की मूर्ति यहाँ, और कौन, सूर्य टांग रहे हैं, टांग सूर्य भगवान। ये तो अधिकतर लोग जैसे घर पे लगाते हैं ना ऊपर। हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ शादी में जो चलते हैं, जोड़े चलते हैं, जो भेंट देते हैं लड़का वाले की तरफ से, वो ये मूर्ति होती है। आप जहाँ से हमारे यहाँ से ये भी ले सकते हैं, छोटे साइज से बड़ा साइज मिल जाएगा आपको। मोबाइल नंबर हमारा स्क्रीन पे होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। देखिए हमारे यहाँ बच्चों के लिए भी आइटम है, जैसे कि बच्चे खेलते हैं, जानवर होते हैं, जानवर बच्चे जो टॉय बोलते हैं उन तरीका से बच्चे खेलते हैं, उनके लिए भी हमारे पास आइटम है। ये देखो घोड़ा, हाथी, हिरन, और ये भालू, बंदर, गेंडा, शेर, चीता, हिरन, और साथ में गांधी जी के तीन बंदर भी हमारे पास हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, आप भी अपने जीवन में इन विचारों को उत्पन्न करो। हमारे यहाँ सही प्रकार के जानवर मिल जाएंगे आपको, सही प्रकार के भगवान, सही प्रकार के जानवर। आप कुछ भी अपनी, हम तो कह रहे हैं आप अपनी मूर्ति बनवा लीजिए हम तो। जैसे कि देखिए यहाँ पे श्री अम्बेडकर जी की मूर्ति देख रहे हैं आप, यहाँ पे और भी मूर्ति रखी हुई है, इनका एंटिक पीस भी मिल जाएगा आपको। ये देखो भाई एंटिक पीस निकाल रहे हैं भाई, इस पे पेंटिंग की हुई है फिर कलर की। हाँ जी, ये दिखाइए, एंटिक पीस मिल जाएगा आपको, इसे बोलते हैं एंटिक कलर, ये कलर की हुई मूर्ति है। देखिए हमारे यहाँ बैल मिल जाएंगी, बैल जो पूजा पाठ होती है, घर में पूजा करते हैं, घंटे होते हैं मंदिर में, घंटे से बड़ा मिल जाएगा आपको। कितने बड़े तक मिल जाएगा आपको? 50 किलो तक मिल जाएगा हमारे, 101 किलो तक का भी मिल जाएगा आपको। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा, वैसे मैंने स्पेशली श्री ठाकुर जी की प्रोसेस बताई है, कहाँ गई हमारी मूर्ति, ये रही, मैंने पहचान लिया ना ये, क्योंकि हम सुबह से ही भाई पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो श्री ठाकुर जी की मेकिंग प्रोसेस दिखाई है इस वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और साथ ही साथ वीडियो में कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना, तब मैं मान जाऊँगा आपको वीडियो पसंद आई है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ठाकुर जी को पोशाक पहना दिया, मुकुट पहना दिया, अब ये मूर्ति बिल्कुल कंप्लीट है।